Hello, hello. तो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वन शॉर्ट लेक्चर के सीरीज में सो so जिसमें आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथ्स वन का एक नया चैप्टर जी हाँ स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक खत्म कर दिया मेहट्राइसिस खत्म कर दिया आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फिनिश कर दिया क्या बात है यार एकदम मजेदार तरीके से आप सीख रहे हो इतना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड आप रिप्लाई करते हो वही सबसे बड़ी बात है ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ और चलते जा रहे चलते जा रहे हैं so तो बिकाइज आज जो मैं सिखाने वाला हूँ जी हाँ ये जो आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कॉन्सेप्ट है या जो चैप्टर है इसमें आ, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर साल पूछा जाता है आपको भी पता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन याद है सो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम टाइम गाइज मैक्सिमम मतलब हम बोलते हैं कि भाई अगर सौ बार एग्जाम हुआ है ना तो कम से कम 95 टाइम्स ये एंगल बिटवीन पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही पूछा है सो so, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सो so, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में चैप्टर नंबर फोर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो so, मैं आप आज को पूरा का पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूं राइट right. सो so, पूरा का मैं बेसिक्स बताने वाला हूं एंड उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना सबसे पहले आपको इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स सबसे पहले पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स की बात करेंगे तो बेसिक्स में ध्यान देना सब लोग क्योंकि सारी चीजें लिखने जाएंगे तो आपको पता है कि बस आपका समय बर्बाद हो जाएगा इसलिए ध्यान देना इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका पहला देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हाँ बोलो पिया है बच्चों यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अब इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं स्लोप क्या बोलते हैं बच्चों स्लोप स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना चैट मैं बोलू ना ठीक okay, है ब्राइटनेस ओके बेटो चलो क्लियर वेरी गुड ब्राइटनेस ज्यादा क्या एक बार थोड़ा सा देख लो हल्का सा कम कर दो गे, 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 गे। क्या बात है ने बोला सर बेटे तो चैप्टर इज सिक्स मार्क्स गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड यस yes, इस चैप्टर का वेटेज है सिक्स मार्क का दो क्वेश्चन आते हैं तीन तीन मार्क के या दो क्वेश्चन मतलब एक मार्क दो मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तो चार मार्क का एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके से ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए क्या नहीं बेटा नहीं आएगा तो भी चलेगा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया तो भी चलेगा अब ध्यान से समझो जरा ऑफ कर देना सो जराइस अब मैं आपके चैप्टर ऑफ कर रहा हूं बस अब हम लोग पूरी तरीके से इस स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में खो जाने वाले हैं तो एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करना सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमारा चैप्टर है जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है स्लोप कि अगर कोई भी लाइन दी गई है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं सो so, मेरे प्यारे बच्चों जैसे अगर अगर आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है इस एक्स और वाई एक्सिस में आपके पास एक लाइन है जो कि आप ध्यान से देखोगे तो एक एंगल बना रहा है जिसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल या

90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए तभी पॉजिटिव होगा नहीं तो नहीं तो उस केस में आपका स्लोप क्या होता है बच्चों m tan थीटा बोलो स्लोप क्या होता है m tan थीटा उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे मान लो मान के लो कि भाई आपके पास जो आ, क्या बोलते हैं लाइन दी गई है दूसरा अब और स्लोप कैसे निकाल सकते हैं मान लो हमारे पास एक लाइन है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है a पहले मैं बेसिक सिखा रहा बच्चों ठीक है बेसिक सिखा रहा हूँ उसके बाद अलग अलग टाइप के उठाएंगे हम लोग फिर दूसरा लाइन है बी सॉरी दूसरा पॉइंट है बी मान लो ए का कोऑर्डिनेट है काम बी का कोऑर्डिनेट है टू, अगर मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है स्लोप मतलब इन दोनों पॉइंट की वजह से जो लाइन बनेगा अगर मुझे उसका स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकलेगा जी हां वाई टू माइनस वाई वन ध्यान से सुनो सब लोग वाई टू माइनस वाई वन होल डिवाइड बाय x2 minus x1. So y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. Make sure that कि हमेशा ये y का टर्म होना चाहिए न्यूमरेटर में और x का टर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर में सर क्या हम लोग y1 वन माइनस x1 टू एक्स लिख सकते हैं हाँ सर चलेगा राइट right. बट एक चीज ध्यान देना अगर आप y2 मतलब सेकेंड वाले पॉइंट से स्टार्ट करो तो x वाले में भी आप सेकेंड वाले पॉइंट से स्टार्ट करोगे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टू माइनस वाई वन और यहां पे बोलो x1 वन माइनस एक्स टू तब हो जाएगा रॉन्ग मेक श्योर अगर आपने सेकेंड वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है तो नीचे भी सेकेंड पॉइंट मतलब x2 से ही स्टार्ट होना चाहिए अगर y1 से स्टार्ट किया है तो x1 से स्टार्ट होना चाहिए चलो सो so बोलो क्या होता है स्लोप y2 टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन या तो वाई वन माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू ये पूरा इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट बच्चों लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि परेशान होते हैं बच्चे सर कहां से ये चीजें आ गई सर कैसे समझेगा तो वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा टेंशन मत लो इस आ, पूरे सेशन में आपको पेयर ऑफ पेट लाइन एकदम एकदम आपकी जुबा पे होगा यस yes. तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों इफ एंड बी द ऑफ टू हमारे पास दो लाइन है और मुझे उन दोनों लाइन का स्लोप दिया है एम वन और कंडीशन क्या है बेटा लाइंस आर पैरल याद रखना जब दो लाइन होती है पैरल जब दो लाइन होती है बच्चों पैरल तो उनके स्लोप्स क्या होते इक्वल उनके स्लोप्स क्या होते हैं बच्चों इक्वल सिर्फ टू लाइंस आर पैरल और को इंसिडेंट तो कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आना बेटा ऐसे एक लाइन है एक लाइन उसके ऊपर आ गया उसे हम बोलते हैं को इंसिडेंट तो एक के ऊपर एक आ रहा है या पैरल है सो दोनों केस में उनके स्लोप्स क्या होते हैं सेम होते हैं लेकिन अगर आपकी लाइन होती है परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पे देखो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है इसका स्लोप है m1 इसका स्लोप है m2 सो इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब उनके बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री कितना एंगल है बेटा 90 डिग्री सो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन यस yes, बहुत आसान है उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करो ज एम वन इंटू एम टू और आपका आंसर क्या आएगा माइनस वन बेटा एम वन इंटू एम टू क्या हो जाएगा माइनस वन अगर आपको निकालना है एम वन की वैल्यू तो एम टू यहां भेज दो माइनस एम टू और अगर आपको एम टू निकालना है सो माइनस वन अपॉन एम वन अब इससे एक चीज याद रखो जैसे अगर एक लाइन है बच्चों कोई भी एक लाइन है मान लो उसका स्लोप है टू कोई एक लाइन है उसका स्लोप क्या है टू अब किसी ने पूछा कि जो लाइन जिसका स्लोप टू है अब बताओ उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा बराबर एक लाइन है जिसका स्लोप टू है अब उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है तो बताओ इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा बच्चों टू का रेसी मतलब वन अपॉइंट ये प्लस है तो कर दो माइनस बात खत्म प्लस है तो कर दो माइनस बात खत्म हमेशा अगर एक लाइन का स्लोप दिया गया होगा अगर आपको दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा रेसी प्रोकल और साइन चेंज करना पड़ेगा तो रेसी प्रोकल लेकर तो तो मतलब, केोकल वन अपॉइंट टू यहां पे प्लस था इसमें क्या आएगा माइनस तो समझ गए अगर किसी ने पूछा सर मेरे पास एक लाइन है थ्री बाई जिसका स्लोप है थ्री बाई तो बताओ उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा तो थ्री बाय टू का रेसी प्रोकल टू अपॉइन थ्री उल्टा करना होता है बेटा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर सो so थ्री बाय टू का रेसी प्रोकल टू अपॉइंट थ्री ये प्लस है तो ये होगा माइनस मतलब माइनस टू अपॉइंट थ्री बात समझ आ गई यस सो कोई भी लाइन का स्लोप दिया गया है अगर आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो हमेशा आपको लेना पड़ेगा रेसी प्रोकल क्या लेना पड़ेगा बच्चों रेसी और करना पड़ेगा साइन को चेंज ये था स्लोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करना का ये था स्लोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या सभी को स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट बता दिया कि स्लोप कैसे निकालते हैं क्लियर गाइस जल्दी बोलना फटाफट फटाफट चैट बॉक्स आप मुझे बता देना क्या सभी को स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों यस वेरी गुड मैं हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसके उस पर आपका मैं व्यू पॉइंट लूंगा आपको समझा कि नहीं वेरी नाइस वेरी नाइस चलो बहुत अच्छा वेरी गुड एक नंबर एक नंबर बेटा एक नंबर सो so, इतना होने के बाद ऑफ कर देना चाहिए इतना होने के बाद नाउ लेट्स मूव टू द अगला कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन इक्वेशन बच्चों इक्वेशन क्या है सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है सर कितने इक्वेशन ऑफ लाइन होंगे अरे बहुत सारे होंगे मेरे बाप बच्चों एक बहुत सारे होंगे वन नहीं समझा वह मैं बोलता जो फर्स्ट था उसमें क्या था कि अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाती हो तो उसका स्लोप होता है m tan थीटा ठीक है बेटा चलो आपको मैंने वो बता दिया अब ध्यान देना स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर आपको आपके पास एक लाइन दी गई है लाइन के ऊपर स्लोप है एम जरा ध्यान देना रिक्वायरमेंट क्या है स्लोप है एम और पॉइंट है बेटा एक्स वन कॉमा वाई वन सो बेटा लाइन के ऊपर स्लोप है एम पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन समझ जाओ क्या होने वाला है स्लोप है पॉइंट है सो so क्या यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वन देखा आपने देखा तो यहाँ का एक्स वन वाई वन और एम पुट कर दिया यस लेकिन एक्स और वाई होता है पॉइंट ऑफ लोकस ध्यान देना एकदम कॉन्सेप्ट को सीख के रखना बेटा एक्स और वाई क्या होता है पॉइंट ऑफ लोकस मतलब इस लाइन के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा ये एक्स और वाई देखा कि उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा बेटा एक्स एंड वाई इसलिए एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकस तो बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन नेक्स्ट अब अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट है एक्स वन वाई वन तब बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा तो जब कभी भी दो पॉइंट देते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो ऐसे लाइन का इक्वेशन निकलता है टू पॉइंट फॉर्म से कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों टू पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म कोई नई चीज नहीं है बस इसको इधर भेज दो इसको इधर भेजा मतलब x माइनस एक्स वन को इधर भेजा क्या हो जाएगा y माइनस होल डिवाइड बाई एक्स माइनस देखा आपने इस x माइनस को यहां भेजा So, y -Y1 X -X1 to, क्या बचेगा M. और M कैसे निकालते हो बचपन में सीखा था Y2 -Y1 X2 -X1. Y2 -Y1 X2 -X1. So, जब कभी भी आपके लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया गया होगा और अगर आपको उन दोनों पॉइंट का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा तो डेफिनेटली आप यूज करोगे टू पॉइंट फॉर्म और वो क्या होता है बच्चों सॉरी तीसरा, तीसरा भाई तीसरा तीसरा फंडा कौन सा है अरे कौन सा है देखो जरा तीसरा फंडा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या सर मतलब बहुत साफ है कि अपने पास एक लाइन है इधर पे एक लाइन है यह वाई एक्सिस यह यह एक्सिस एक्सिस लेकिन जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है बेटा जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है उसने क्या किया वाई को कट किया जरा ध्यान देना उसने किसको कट किया सिर्फ और सिर्फ वाई को कितने पे कट किया भाई सी पे कट किया और उस लाइन का स्लोप क्या था सर एम था सो so, अगर कोई भी लाइन वाई को जहां पर भी कट करती है उसे हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं बच्चों वाई इंटरसेप्ट दैट इज सी सो वाई इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो गया सी और लाइन के स्लोप को दिखाएंगे एम से तो यहां पर मेरे पास स्लोप है और इंटरसेप्ट है तो स्लोप और इंटरसेप्ट होने की वजह से कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी हां स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और क्या होता है बेटा बचपन में सीखा है सब आपने y y m c c ये कभी x इंटरसेप्ट नहीं हो सकता हमेशा y इंटरसेप्ट ही होगा c इज the y इंटरसेप्ट देखा आपने एकदम आसान एकदम बढ़िया आ जाओ अब आ जाओ ये जो आपने इक्वेशन देखा इसी में कुछ नई चीज आ गई बेटा

ओरिजिन से पास हो जाए किधर से पास हो जाए ओरिजिन से जिसका स्लोप m हो तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी जी हाँ दोस्तों और उसका स्लोप है m तो बोलो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y is equal to mx plus c बोलो क्या सॉरी डोंट डोंट से c ओनली y is equal to mx क्योंकि c तो y इंटरसेप्ट होता है यहां पे y को कट ही नहीं कर रहा है तो जीरो बस So, क्या होता है बच्चों वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स वेरी नाइस उसके बाद देखो भाई देखो पिछले वाले में सिर्फ y को कट किया था सोचो अगर आपकी लाइन ने x को भी कट कर दिया y को भी कट कर दिया x को a पे कट किया y को b पे कट किया जरा ध्यान देना सब लोग x को a पे कट किया और y को b पे कट किया

x upon a plus y upon b is equal to one चलो एक बार चार करना so, चलो इतना क्लियर है सबको फटाफट बोलो फटा फटाफट चलो हम्म सारा इलेवेंथ का बेसिक्स है बट आपको पता होना चाहिए सारी चीजें मैं बता रहा हूं ओके okay. सारे बच्चे बोले फास्ट लो कुछ बोल रहे लैग हो रहा है क्या रिपीट ओके okay. नहीं हो रहा ठीक है लैग like हो रहा है नहीं ना गाइस लैग नहीं हो रहा थोड़ा तो सा आप इंटरनेट कर चेक कर लो अपना ओके okay, ओके okay, चलो सो so, रिपीट में क्या रिपीट करना है बेटा आपने बोला ही नहीं प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर प्लीज बिकॉज़ अगर आप लैग पे ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको ठीक है चलो सो so, रही बात नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों ऑन देखो कई सारे बच्चे से फस जाते हैं देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है ए सी जिससे मैंने इस ओ से जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन बेटा ओ से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किसके ऊपर इस ए सी के ऊपर जिसका नाम है ओ बी का नाम है OB राइट right. सो so, इस OB का लेंथ है P बेटा OB का लेंथ यहां पे क्या ले लिया है मैंने P और इस OB ने ध्यान करना इस OB ने OC मतलब x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाया जरा ध्यान देना ये कांसेप्ट देखो क्योंकि जो अगला फॉर्म है वो है नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटा नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ध्यान देना कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा ट्राइंगल में ये जो अपना और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं इस ओरिजिन से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर इस एसी के ऊपर और जिसका लेंथ है पी और ये बोलो क्या है आपका अल्फा एंगल विच इज बिटवीन ओ दैट इज एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस है समझ चलो एंड ओबी के बीच में बराबर सो so, अगर किसी ने पूछा बताओ ये जो लाइन ए सी है बच्चों लाइन ए का इक्वेशन क्या होगा तो आप बोलोगे सर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फाइज इक्वल टू पी एक्स अल्फा प्लस वाई साइन अल्फाइज टू पीछे एक्स और वाई तो पॉइंट ऑफ लोकस है अल्फा बोलो यहाँ पे क्या है आपका एंगल बिटवीन वो जो नॉर्मल है या जिसे बोलते परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर और इस बेस या इसके बीच का एंगल दट इज अल्फा

आपका लाइन हमेशा इसी तरीके से दिखाई देगा मतलब जिसके अंदर एक्स का टर्म होगा वाई का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म सी होगा मतलब कैसे दिखाई देगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो कैसा दिखाई देगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वाई एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म अब किसी ने आपसे पूछा सर ये लाइन का स्लोप बताओ और मैं भी पूछूंगा आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चन में तो बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है तो आप बोलोगे स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी क्या होगा बेटा माइनस ए अपॉन बी मतलब माइनस ए है एक्स का कोट और ये बी है बेटा वाई का को तो किसी ने भी पूछा कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा आप बोलोगे सर सिंपल है स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी स्लोप क्या होगा माइनस ए अपॉन बीट इट खत्म का मतलब इंटरसेप्ट डिवाइड बाय इंटरसेप्ट लेकिन अगर किसी ने पूछा भाई एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे आएगी तो इसके अंदर वाई जीरो पुट कर दो जैसे ही वाई क्योंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है मतलब वाई को करना पड़ेगा खत्म अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को करना पड़ेगा खत्म अब y को खत्म करने के लिए y के प्लेस पे जीरो पुट कर दो जब आप बच्चों y के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा तो बोलो एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए क्या वही है हाँ बराबर तो कैसे याद रखने का चाहे x इंटरसेप्ट पूछे चाहे y इंटरसेप्ट पूछे दोनों में माइनस सी माइनस सी होगा अब x इंटरसेप्ट है इसलिए x वाले नंबर को डिवाइड कर दो और y इंटरसेप्ट है तो y का नंबर मतलब b से डिवाइड कर दो ऐसा याद रखने का बराबर सो so, बोलो बच्चों इफ योर लाइन इज सो स्लोप क्या होता है बोलो भाई, बोलो बोलो भाई माइनस सी अपॉन ए वाई इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस सी अपॉन बी अब आते हैं फॉर्मूला नंबर थ्री जिसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन तो डायग्राम देखो आपके पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी जीरो और आपके पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन पॉमा वाई वन अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका नाम है ए बी क्या नाम है बेटा ए बी अगर आपको इस ए बी की वैल्यू निकालनी है सोचो जरा सोचो क्या करना है हमें पॉइंट ए दिया है जो कि एक्स वन पॉमा वाई वन है और पॉइंट बी है जो कि परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे हमें एबी का वैल्यू निकालना है लेकिन ये ए बी परपेंडिक्लो के ऊपर इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन है और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है बच्चों जी हाँ ए बी इज इक्वल टू आपको एक्स और वाई के प्लेस पे एक्स वन वाई वन पुट करना पड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बीवाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो

जल्दी बोलो फटाफट बोलो भाई यस यस ओके साहिल क्या नहीं समझा बेटा यस सर बाकी लोगों को समझ गया साहिल बोलता है किसी में प्रॉब्लम है बोलो बेटा चलो कोई बात नहीं क्या सभी क्लियर है देखो हम लोग इसमें ज्यादा समय बर्बाद करेंगे तो जब अपना मेन कॉन्सेप्ट है वहां पे फंस जाएंगे इसके लिए ओके अगर करना है तो क्या रिपीट करना है बताना मुझे आप लोग सभी लोग फटाफट किस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है निखिल फिर से देख लो कुछ बच्चे बोलते हैं सर फास्ट लो कुछ बच्चे बोलते हैं स्लो ले लो क्या भाई देख लो एक बार फिर से फटाफट मैं बता दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन से हाँ अगर आपके लाइन के ऊपर का स्लोप और पॉइंट दोनों दिया गया है यस हां बेटा देखो फॉर्मुला तो वो लर्न करना ही पड़ेगा समझ के रखना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन तो है नहीं अगर आपको स्लोप का सॉरी लाइन का स्लोप दिया और पॉइंट दिया हो उस केस में आपका जो इक्वेशन होता है वो होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म और वो होता है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ठीक है ओके मेघना चलो ठीक है वेदांत सिर्फ ठीक है चलो ठीके, चलो ठीके, चलो बेटा सपेश मतलब सबको सिखाऊंगा यहाँ पे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए को क्योंकि

so y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 एकदम आसान और जब आपके पास जो लाइन है वो y एक्सिस को c पे कट कर करे और उसी लाइन का स्लोप दिया है बेटा लाइन का स्लोप क्या है m और वो लाइन y एक्सिस को c पे कट कर रहा है कहां पे कट कर रहा है बेटा c पे कहां पे कट कर रहा है बेटा c पे तो अगर आपकी लाइन

अगर मेरे प्यारे प्यारे लाल मेरे प्यारे प्यारे नीले पीले बच्चों जल्दी देखना मैं जो बोल रहा हूं अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होती हो और उसका स्लोप हो एम सिंपल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स कुछ याद रहे या न याद रहे ये याद जरूर याद होना चाहिए इफ योर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन सो इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स y लेकिन लेकिन पिछले वाले कंडीशन में तो आपकी लाइन ने सिर्फ और सिर्फ y को कट किया था अब इधर हमारी जो लाइन है बेटा वो y को भी कट करेगा x को भी कट करेगा जब दोनों पे कट करें जब दोनों पे कट करें तो आएगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अब इधर क्या जब दोनों पे कट करे तो बोलो क्या आएगा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्टेगा उससे जो कि हो जाएगा हमारा क्या इंटरसेप्ट और जब वाई पे कट करेगा तो आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट दैट इज b बी सो एक्स इंटरसेप्ट ए है वाई इंटरसेप्ट बी है तो बच्चों अगर एक्स इंटरसेप्ट ए दिया है वाई इंटरसेप्ट बी दिया है मतलब आपको दोनों के दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हैं और अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे तो नहीं सोचना कुछ भी बस अप्लाई कर देना दो मतलब डबल डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और बच्चों डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है सर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन होता है एकदम सिंपल है कुछ नहीं है इनको आप ज्यादा भाव मत दो ये सब चिंदी चिंदी चीजें हैं अब आपके पास एक लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वाई एक्सिस कट कर रहा है बेटा को किया? C पे, y को किधर किधर कट कट किया किया पे, पे और ये ओरिजिन है अब उस ओरिजिन से मैंने उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया दिखाई दे रहा है इसका नाम है ओबी और उस ओबी का लेंथ ले लिया मैंने पी और उस ओबी ने एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाया so guys, अगर ओरिजिन से किसी भी लाइन के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और उस परपेंडिकुलर का लेंथ है P मतलब OB मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मतलब मैं OB की बात कर रहा हूं बेटा पे OB कौन है P और ये OB इस x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है ये OB इस x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है सो so, बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई सैन अल्फा इक्वल टू पी डन चलो नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन तो अगर आपके पास पॉइंट है x1 y1 और लाइन है बेटा ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना देखो देखो पे सो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन अब फिर मैंने आपको बता दिया कि सर अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया गया है जिसे हम बोलते हैं, हमेशा बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर जनरल इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल जीरो और मैक्सिमम टाइम ये आपको मिलेगा तो वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों यस स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी जहा पे ए होता है एक्स का कोट और बी होता है बच्चों वाई का कोई सो माइनस ए अपॉन बी वेरी नाइस और एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी चलो फटाफट -फड़ करेंगे बच्चों समय बर्बाद नहीं करना हम लोग को थोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पांचवा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बच्चों ध्यान रहा मैं चाहता हूं कि आप ना एक बार में ही समझ जाओ क्योंकि ये सारी चीजें हुई है ना हम तो रिविजन करवा रहे हैं अगर इन्हीं पर बहुत सारे अगर आप कॉन्सेप्ट एक साथ सीखना चाहते हो तो थोड़ा फास्ट आपको सीखना पड़ेगा आपका थोड़ा भी ध्यान यहां वहां मत करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई शाम का वक्त है या सुबह का वक्त है तो भाई चाय आ गई बाजू में बाजू में क्या बोलते हैं कि खाड़ी और बिस्किट आ गया तो खाना शुरू कर दिया और लेक्चर चल ही रहा है तो उस चक्कर में क्या होगा सर ने क्या पढ़ा मिस हो गया फिर जब सर पूछेंगे सब बच्चा समझा समझा बोलो कि सर रिपीट करो नहीं बेटा मैंने तो तो वीडियो वीडियो ले लिया है है ना मैं तो रिकॉर्ड हो चुका है वीडियो। अब आप पीछे जाकर देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स इन्फानाइट टाइम्स यार आपके पास तो तरीका इन्फानाइट टाइम देखने का इससे ध्यान दो अब हमारे पास दो पैरलर लाइन है बेटा फर्स्ट पैरलर लाइन एंड सेकेंड पैरलर लाइन याद रखना कोई भी पैरेलल लाइन में x और y का कोएफिशिएंट सेम होता है क्योंकि स्लोप तो वहीं से आता है स्लोप क्या होता है बेटा -a/b तो अगर ab इधर ab तो दोनों का स्लोप क्या होगा सेम क्योंकि लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होगी ना हमेशा रखना x और y के बाजू का नंबर सेम होना चाहिए ठीक है एक्स और वाई के बाजू का नंबर क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए हाँ अलग रहेगा वो डेफिनेटली सेम हो भी सकता है नहीं भी उसका बट मैक्सिमम केस में डिफरेंट मतलब रूल तो डिफरेंट का ही है तो बेटा सी वन सी टू डिफरेंट रहेगा अब मुझे इन दोनों पैरल लाइन के बीच का निकालना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी कुछ नहीं बेटा सिंपल सी वन माइनस सी टू डि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र जहां पे ए और बी क्या है बेटा एक्स और वाई के कोई तो बोलो क्या हो जाएगा मॉडल वाई वी आर पुटिंग मॉडल क्योंकि भाई डिस्टेंस है डिस्टेंस कैन नॉट बी प्लस होना चाहिए ना तो इसके लिए क्या हो जाएगा c1 वन माइनस सी टू रूट ऑफ ए स्क्वायर चलो फटाफट इलेवन तक उड़ाते हैं बड़ा जल्दी खत्म करते हैं कुछ और है अच्छा एक चीज में कुछ लिखा है यहां पे इफ टू लाइन्स आर पैरल देन देर ओनली कॉन्स्टेंट टर्म्स विल बी डिफरेंट यस सही बात है अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो x y सेम होता है xy का कोएफिशिएंट सेम होता है सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही डिफरेंट होता है वेरी गुड अच्छा लिखा है अब अब आ गई बड़ी मजेदार चीज ओए होए 11th का लास्ट पार्ट उसके बाद आ जाएगा पॉइंट नंबर 7 से ट्वेल्थ। एंगल बिटवीन अरे भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब अगर पास एक लाइन जिसका स्लोप है m1, दूसरी लाइन जिसका स्लोप है m2 और उनके बीच का एंगल है थीटा। अरे भाई क्या है? उनके बीच का एंगल थीटा। सो क्या हो जाएगा सर? उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 whole divide by one plus एम वन इन टू एम टू देखा आपने एकदम सिंपल याद कर लो ये पूरा ग्यारहवीं क्लास इलेवन तक का पूरा बेसिक्स था मैं ध्यान देना मैं कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पूरा बेसिक्स सिखा दूंगा सो दैट कि बच्चा कहीं पर भी जाए अगर वो बोलते हैं ना कुछ भी पूछा जाए हम आ, आसानी से बता पाएगा क्लियर क्या सभी को क्लियर है बच्चे आता हाँ जल्दी बोलो फटाफट ऑन करा the... क्या सभी को क्लियर है ओके okay, यस yes, फटाफट बच्चों बोलो जल्दी जल्दी वेरी गुड वेरी गुड हाँ अगर आप मेरा साथ दो मैं बहुत फास्ट लूंगा और जल्दी जल्दी कौन से खत्म करूंगा आप मेरा सिर्फ साथ दो साथ दो मतलब क्या बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एकदम ध्यान से पढ़ो आज के दो घंटे के लेक्चर में मुझे कुछ नहीं सुनना है यस yes, कोई कुछ भी बोले बोलो मुझे नहीं जानता मैं तुमको नहीं जानता बोलोग बस यही बस समझो अच्छे से वेरी गुड ये हुई ना बात वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चो वेरी गुड वेरी गुड चलो P बेटा वो डिस्टेंस होता है O से B का डिस्टेंस P होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से वो जो हमने डायग्राम था उसमें देखना, O से B में डिस्टेंस ड्रॉ किया था वो ओ बी और लिख के भी दिया है देखो ना वहां तो चलो, चलो बच्चों वेरी गुड वेरी गुड ऑफ कर दो अब आती है मजेदार चीज सर क्या मजेदार चीज है भाई अब आती है आपकी मजेदार चीज क्या है जिसका नाम जिसका नाम है यस पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाओ आ जाओ ओके ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी तक हमने पूरा क्लास इलेवन फिनिश कर दिया अब क्लास इलेवन को फिनिश करने के बाद अब आ रही आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की सो so, बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हो जो उसका इक्वेशन होता है वो होता है सॉरी देखो सब लोग तो so, बताओ किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्सर प्लस बीवाई स्क्वायर इक्वल जीरो याद करो सब लोग याद कर लो आपको दो सेपरेट इक्वेशन दिया गया होगा जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोले कंबाइंड इक्वेशन बोले इक्वेशन बोले तीनों का मीनिंग सेम होता है यस yes. तो so, बोलो क्या होता है स्टूडेंट्स ए एक्सक्वायर प्लस टू एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब इसके अंदर दो लाइन है बच्चों कितनी लाइन है दो क्योंकि हमने क्या बोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर मतलब जोड़ी पेयर मतलब क्या होता है जोड़ी दो लाइनों की जोड़ी जैसे बोलते हैं ना दो हंसों का जोड़ा वैसे ही दो लाइनों की जोड़ी है यहाँ पे राइट दो लाइनों की जोड़ी है जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा क्या बात है याद कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि, कि किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लीज व्हाट डू यू मीन बाय सर स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास दो लाइन है एक का नाम है ओ ए और दूसरे का नाम है ओ बी दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है कहां से पास हो रही है ओरिजिन से अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और उन दोनों लाइन का मुझे ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है या उन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है या उन दोनों लाइन का पैरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मतलब वो सबका सेम ही है तो क्या करने का बेटा इसके इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना दोनों के इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और जैसे ही दोनों के इक्वेशन को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा सर ax2 2hxy by2 0 ax2 2hxy इक्वल टू जीरो समझ गए तो ये इक्वेशन याद होना ही चाहिए नहीं याद रहेगा तो बहुत मार खाओ बहुत मार खाओगे खाओगे बहुत चलो क्या सभी को समझ आ गया मार्क मार का क्वेश्चन क्या है देखो आया हुआ है ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि एक मार्क के लिए दो मार्क के लिए तीन मार्क के लिए चार मार्क के लिए पूछेगा इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझ दी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कॉर्डिनेट एक्सिस बेटा कॉर्डिनेट एक्सेस बोला मतलब एक्स एक्सिस ऑन करना चाह एक्सिस so, क्या बोला है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कॉर्डिनेट एक्सिस बेटा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कॉर्डिनेट एक्सेस सो कॉर्डिनेट एक्स बोला मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरा आप लोग मुझे बताना कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और वाई एक्सिस का पहले बताओ एक्स एक्सिस का यस yes, एवरीवाल बोलो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है फटाफट जल्दी से जल्दी बोलो वेरी गुड वेरी गुड तो बेटा एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो की कोशिश करना वॉट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो दोनों को मल्टीप्लाई करो एक्स इन टू वाई एक्स वाई लो एक मार्क का इक्वेशन आ गया डन इजी वेरी नाइस वेरी नाइस देखा समझो बेसिक बेसिक चीजें अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर टू बेटा क्या लिखा यहां पे फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जैसे ही बोला एक्स एक्सिस मैं बोल दूंगा सर ये तो वाई इक्वल टू जीरो है बोलो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाईक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाईक्वल जीरो आगे तो क्या बोला है एंड लाइन थ्रू द ओरिजिन आप लोग मुझे बताया कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका ओरिजिन देन इट्स इक्वेशन इज वॉट यस श्रेया ने बोल दिया श्रेया बेटा तेरी तो बात ही अलग है चलो श्रेया ने बोल दिया वेरी गुड बाकी लोग बाकी लोग क्या बात है अभिषेक अमन अब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा बहुत फास्ट ज्यादा लाइन इज पासिंग थ्रू दिन टू एम एक्स ओनली वाई इज इक्वल टू एम mx डोट राइट वाईक्वल टू एम एक्स प्लस c क्योंकि सिर्फ ओरिजिन बोला है c इंटरसेप्ट बोला ही नहीं है राइट आंसर अब बताओ m क्या होता है स्लोप और स्लोप दिया है तो y इज इक्वल टू वन इन टू मतलब x अब अगर आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को मतलब इनका निकालना है जॉइंट इक्वेशन तो पहले आप लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो मतलब प्रॉपर इक्वेशन होना चाहिए प्रॉपर मतलब सारा का सारा वैल्यूज चाहे वो x का हो चाहे y हो चाहे कांस्टेंट सब लेफ्ट में होना चाहिए अब इन दोनों को जॉइंट निकालने के लिए करना पड़ेगा मल्टीप्लाई सो बोलो y इंटू एक्स माइनस y into x, x y, y into y minus जगह y square equal to zero क्या सभी का आंसर यही है यस yes. क्या सभी का आंसर यही है बच्चों x y minus y square, x y minus y square क्या सभी को यही आंसर आयान को बड़ा क्या नहीं समझा इसमें कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं हो जाएगा हो जाएगा टेंशन की बात नहीं है फिर से देख लो हमें निकालना है जॉइंट इक्वेशन मतलब ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि किसका है बेटा एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस बोल दिया मतलब वाई इक्वल टू जीरो एंड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है सर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन वाईक्वल टू एम एक्स

अब मेरी बात ध्यान सुना रुक जाओ तो मैंने आपको पेयर ऑफ स्टेट लाइन बता दिया मेरा क्या होता है होता है। ये पेर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन होता है जरा ध्यान सुना मेरी बात को थोड़ा भी ध्यान वहां मत जाने देना अब इसके अंदर दो लाइन है ना अब इस दो लाइन के अंदर कभी कभी लाइंस होती है पैरल सॉरी लाइंस आर पैरल और कभी कभी हमारी लाइन होती है परपेंडिकुलर देखो सारे फॉर्मूले की शीट पे हमने दिया हुआ मत मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर तो जब कभी भी आपकी लाइन होती है पैरल तो कंडीशन होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो क्या होता है बच्चो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो एकदम बेहतरीन तरीके से समझना ये दोनों कंडीशन को सो लाइंस आर पैरेलल एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल जीरो लाइन्स आर परपेंडिकुलर यस ए प्लस बी इक्वल जीरो ए बी जीरो नहीं होता बेटा चलो चलो अभी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आते हैं यहां पर क्या लिखा है इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ओके आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ आप सभी को पता है अगर लाइन परपेंडिकुलर है सो so बोलो कंडीशन क्या आएगा सर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो डायरेक्टली लिखने का कैसे लिखने का बता रहा हूं लिखो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दो बेटा प्लस टू इंटू एक्स एक्स माइनस करो इसको आप कंपेयर करो किससे एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं सब लोग को ध्यान दो हमें तो पता है आर परपेंडिकुलर मतलब A plus B 0. राइट ना हमें तो पता लेकिन उसको बताना पड़ेगा तो कंपेयर करने बेटा यहाँ पे पे बेटा की वैल्यू क्या स्क्वायर प्लस टू फिर एक्स वाई के बाजू में टू एच यहां पर एक्सवाई के बाजू में थ्री टू एच की वैल्यू थ्री फिर वाई स्क्वायर के बाजू में बी और यहां पे वाई स्क्वायर के बाजू में माइनस सिक्स देखा आपने Yes. So, हमारे पास ए टू एच और बी मिल गया आप लिखोगी सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर क्यों सिंस लाइन्स आर पर पेंडिकुलर एंड गईज इफ लाइन्स आर पर पेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो क्योंकि पारलल के केस में होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो लेकिन जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर सो हमेशा इक्वेशन होता है ए प्लस बी ऐसे क्वेश्चन दो से तीन मार्क के लिए आते हैं इसलिए इसको आप थोड़ा भी ऐसा हल्के में मत लो ए प्लस बीस जीरो बच्चों ए की वैल्यू क्या है सर के स्क्वायर प्लस टू बी की वैल्यू क्या है सर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हमने के स्क्वायर लिख दिया प्लस टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर इक्वल टू जीरो बोलो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर वहां जाके प्लस फोर

आपको सारा का सारा बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं साथ ही साथ सारी की सारी बेसिक चीजें यस नेक्स्ट समय बर्बाद नहीं करेंगे अगला क्वेश्चन मजेदार दो मार्क्स के लिए पूछा है मार्क पे मत जाओ भाई नंबर ऑफ मार्क्स पे मत जाओ एकदम क्वेश्चन पे देखो मैं डायग्राम के थ्रू तो समझाता हूं फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस भाई दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है इतना मतलब ये बात तो समझ में आ गई सर पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन है दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है मतलब यस हमें लाइन अरे रोशनी बेटा मेरा बर्थडे नहीं है आज पहली बात तो कभी भी तुम लोग बर्थडे बनाते हो यार कितनी बार पैदा होऊंगा मैं है? चलो अभिषेक बोलता है सर आपका चमकता हुआ ब्रेसलेट कहा घर पे रख दिया उसको मैंने सर आप एक बार चलो चलो ओके ओके बेटा एक्सरसाइज वाइज ही चल रहे हैं हम लोग सब बेसिक से लेकर के चलेंगे हर टाइप क्वेश्चन का मतलब लिए ओके okay. <laughs> ए स्वस्तिक मार खाएगा <laughs> चलो आ जाओ बच्चों <laughs>

So, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना भाई बाइसेकट मतलब दो इक्वल पार्ट ट्राई 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 बोला मतलब तीन सेक्ट बोल दिया मतलब इंटरसेक्शन वाला सो so, भाई तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो डायग्राम कैसा बनेगा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहले quadrant पे एंगल बनेगा ज्यादा सोचने का नहीं तो पहला क्वाड्रेंट के अंदर प्राइसे मतलब क्या होगा सर ये भी तीस डिग्री ये भी तीस डिग्री और ये भी तीस डिग्री क्या मैं सही बोल रहा हूं अरे क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा यस और नो हाँ, लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है एक बच्चे ने सही बोला सर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है हाँ लाइन ओरिजिन से पास हुई मतलब इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू एम एक्स सही बात है करेक्ट है करेक्ट है बेटा एक नंबर सो so, ट्राइसेक्ट मतलब एक दोन तीन हमारे पास तीन इक्वल एंगल और क्या बात है ये इसको ओ बोलते इसको बोल देते हैं ए और इसको बोलते हैं बी सो so, आ गया एकदम बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को तो ये बात पता है सर क्या पता है कि दीज टू लाइन आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन और अगर ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है तो दोनों का इक्वेशन क्या होगा सर वाईल टू एम एक्स सर वाईल टू एम एक्सो एम वन बोल दो एम टू बोल दो वाईक्वल टू एम एक्स इसको एम वन बोल दो एम टू बोल दो क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों अब जैसे ही आपने बोला वाई इक्वल टू एम वन एक्स एंड एम टू एक्स चलो अब हम पहले वाले लाइन का स्लोप निकालेंगे क्योंकि इस लाइन में सब कुछ है बस एम M2 एम टू नहीं है अरे भाई वही तो मेन है नहीं तो कहां सब काम कहा नहीं चलेगा सॉरी चलेगा सॉरी चलेगा चलेगा जोश में आ गया था मैं <laughs> चलेगा चलेगा सो so, अगर मुझे इस ओए का आ, स्लोप निकालना है जिसको मैं बोलता हूं एम वन चो स्लोप ऑफ ओ इतना बड़ा नहीं लिखने का टाइम पास स्लोप ऑफ ओ क्या हो जाएगा बोलो जरा बोलो ये ओ एक्स के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है थर्टी ओ बोलो ओ ए थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है एक्स के साथ में तो इसका क्या हो जाएगा भाई टेन थर्टी ऑफ करना चाहिए ओके चलो so, ये ओ ए एक्स के साथ में थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है इसलिए इसका स्लोप हो भाई पूरा ये दो ये पूरा एंगल बना रहा है तो पूरा मतलब इधर से इधर तक तो यहां से यहां तक तीस यहां से यहां तक और तीस मतलब तीस प्लस तीस साठ कितने डिग्री का एंगल साठ डिग्री का बच्चों साठ डिग्री का मतलब ओ बी बनाता है साठ डिग्री का तो स्लोप ऑफ ओ बी हो जाएगा टेन 60 और टेन सिक्स रोटरी यस मेरे प्यार प्यारे बच्चों टेन सिक्सटी होता है रोटरी तो आपने स्लोप ऑफ ओ ए जो कि एम वन है स्लोप ऑफ ओ बी जो कि एम टू है दोनों का स्लोप निकाल दिया चलो पुट कर दो एम वन क्या है बेटा वन अपॉन रूट थ्री देखो ना एम वन क्या, क्या है सर रूट थ्री एक्स क्या बात है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुड़ा करेंगे सो रूट थ्री इन वाई सर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स इधर भेज दो तो so, x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो इधर देखो y को उधर भेजो रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो अभी क्या करने का दोनों सेपरेट देखो मैंने पहले ही बोला ओ एम एक्स के साथ में थर्टी डिग्री ओ बी एक्स के साथ देखो, यहां तक थर्टी है ना क्या गया यहां तक थर्टी है ना लेकिन एक्स के साथ में कितने डिग्री का एंगल बेटा सिक्सटी डिग्री का सो थर्टी एंड सिक्सटी थर्टी एंड सिक्सटी थर्टी मतलब टेन थर्टी स्लोप क्या हो जाए रूट थ्री 60 मतलब टेन सिक्सटी स्लोप हो जाएगा रूट थ्री चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे ज्वाइंट इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों ज्वाइंट इक्वेशन या कंबाइंड जो दिल करे जो क्वेश्चन बोला वही लिखने का अगर कंबाइंड बोला तो कंबाइंड ज्वाइंट बोला तो ज्वाइंट चलो कंबाइंड इक्वेशन इज दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई बट ध्यान देना मल्टीप्लाई करने के पहले पूरा नंबर लेफ्ट में पूरा नंबर लेफ्ट में है सर एक्स माइनस रूट थ्री वाई इंटू रूट थ्री एक्स माइनस हमने कर दिया मल्टीप्लाई चलो अभी एक्स का मल्टीप्लाई रूट थ्री एक्स में हो जाएगा रूट थ्री एक्सक्वायर सही बात है ना अभी आप एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे जब आप x का मल्टीप्लाई रूट थ्री एक्स में करोगे तो क्या आ गया बेटा रूट थ्री इंटू x का मल्टीप्लाई माइनस वाई में रूट थ्री वाई का मल्टीप्लाई रूट थ्री एक्स में रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री नहीं समझा कैसे चलेगा मल्टीप्लाई करना आपको इंटू रूट थ्री थ्री वाई इंटू एक्स इज एक्स वाई फिर देखो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री वाई का मल्टीप्लाई वाई में हो जाएगा रूट थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वलो नाव रूट थ्री एक्स स्क्वायर कॉपी किया माइनस एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो खत्म काम तमाम सो ध्यान से देखना मैंने एक्स का मल्टीप्लाई रूट थ्री एक्स में किया तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर इसी एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वाई में किया तो माइनस एक्स वाई फिर इस रूट थ्री वाई का मल्टीप्लाई रूट थ्री एक्स में किया तो रूट थ्री रूट थ्री थ्री माइनस प्लस माइनस वाई इंटू एक्स इज एक्स वाई फिर इस माइनस रूट थ्री वाई का मल्टीप्लाई माइनस में सो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री इंटू वाई इंटू वाई इज रूट थ्री वाई स्क्वायर नाउ दिस इज द आंसर क्लियर बच्चों ऑन को अभी क्लियर है हाँ या ना जल्दी बोलो फटाफट चलो बढ़िया है क्वेश्चन बढ़िया है ना सही है एक नंबर एक नंबर बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया वेरी गुड वेरी गुड हाँ पी रहा हूं किसी बच्चे तो चाय नहीं पीने आ गया कोई बात नहीं लोकेश बेटा आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा कोई बात नहीं बेस्ट पार्ट इज वर्ड आप ट्राई तो कर रहे हो ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ बच्चे ट्राई नहीं करते और बोलते हैं सर नहीं आ रहे है, सर वो सबसे बड़ा टेंशन है ओके ओके स्मूथ लाइक परफेक्ट परफेक्ट नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सेपरेट इक्वेशन देखो हमने ज्वाइंट इक्वेशन निकाल दिया अलग अलग टाइप का अब सेपरेट इक्वेशन का भाई सेपरेट इक्वेशन आ गया भाई सेपरेट आ गया भाई सब लोग यही बात करो पेयर ऑफ स्टेट लाइन आज सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ स्टेट लाइन की बात होगी किसी और चीजों के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्या बोला है बच्चों फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस गिवन बाय ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया ना तो डरने का नहीं डरने का नहीं ध्यान से देखो गौर से देखो इस इक्वेशन को क्या लिखा है इसके बोल रहा हूं बहुत ध्यान समझना भाई बाद में बोलना नहीं सर नहीं समझा इसके अंदर आपको एक दो तीन चार पांच टाइप पांच टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोलो कितने टाइप के बेटा पांच टाइप के सर पांच टाइप कैसे आएंगे बता रहा हूं एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा और एक्स वाई होगा पहला टाइप एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा तीसरा टाइप एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक्स वाई होगा और वाई स्क्वायर होगा चाह था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर होगा और पांचवा जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर के साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे देगा ऐसे पांच टाइप के पूछते हैं बेटा ठीक है ऐसे पांच टाइप क्वेश्चन पूछते हैं सो बहुत आसान जैसे मैंने अगर दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स वाई यहां पे एक्सक्वायर और एक्स वाई का टर्म है तो ऐसे क्वेश्चन में देखो पहले कॉमन लेने की कोशिश करो कॉमन हो गया वाग, वाग जीरो कर दो, जीरो, वैसे ही जैसे मैंने बोल दिया फोर टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर या आप बोल सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है तो ऐसे केस में एकदम सिंपल कॉमन ले लो फिर से तो वाई गया कॉमन बेटा क्या हो जाएगा

तो उस केस में अप्लाई करने का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा x y, x प्लस माइनस इज़ इक्वल टू जीरो लेकिन जब ऐसे देखो एक टाइप दो टाइप तीन टाइप चौथा टाइप आ गया ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों आ जाए ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों बंदे आ जाए तो कुछ नहीं करने का देखने का कि X -square के बाजू में कोई नंबर है क्या क्या देखने का बेटा कि X -square के बाजू में कोई नंबर है है? क्या सर नहीं है। तो के के पास। अगर बाजू में कोई नंबर होगा तो उस नंबर का मल्टीप्लाई इस वाई स्क्वायर वाले नंबर से करने का मैं फिर से बोल रहा हूं अगर एक्स स्क्वायर के बाजू वाला कोई नंबर होगा तो उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर के बाजू वाले नंबर से करने का और देखने का कि क्या नंबर आ रहा है ठीक है फिर बाद में उसका फैक्टर निकालोगे बाद में उसका फैक्टर निकालोगे तो बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं है टेंशन खत्म फिर डायरेक्टली लिए सिक्स ले लो अभी आप क्या करोगे सिक्स का ऐसा फैक्टर निकालोगे यहां पे प्लस है ना बेटा यहां पे प्लस है तो प्लस होने की वजह से प्लस होने की वजह से ऑपरेशन प्लस करेंगे और आंसर माइनस फाइव लाएंगे सो भाई सिक्स का तो बहुत सारा फैक्टर है अरे बहुत सारा नहीं कुछ ही फैक्ट है। 6 फैक्ट होता है सिक्स का एक फैक्टर क्यों रॉन्ग है अरे भाई सिक्स का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने पे आए अगर आपने सिक्स और वन लिया तो सिक्स प्लस वन सेवन होता है यहां पे तो माइनस फाइव चाहिए रॉन्ग देखा आपने तो 6 और 1 तो नहीं हो सकता जितने लोग भी बोल रहे हैं, 6, 1, wrong है। दिमाग लगाओ मैं फिर से बता रहा हूं प्लस करने पे अगर यहां पे माइनस होता तब जो आप बोल रहे हो सही होता सर माइनस सिक्स प्लस वन यहां पे प्लस है तो प्लस करने पे आंसर आना चाहिए माइनस फाइव तो अगर आपने सिक्स वन लिया

बेटा माइनस टू कॉमन ले लो एक्स माइनस थ्री वाई दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमन यहां सॉरी एक्स माइनस थ्री वाई एक ब्रैकेट में माइनस टू वाई एक ब्रैकेट में सो so, बोलो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो एकदम कॉडरेटिक देखो सेपरेट इक्वेशन आ गया क्या बोलती पब्लिक येस और नो फटाफट प्लस नहीं आएगा बेटा माइनस आएगा दोनों इजी 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 चलो अगला क्वेश्चन रुक जाओ ओके फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइंस गिवन बाय चलो कोई नहीं हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गया अब इस जनरल इक्वेशन को करने के पहले चलो ये थोड़ा सा लैग हो गया बच्चों जस्ट एक मिनट बच्चों ध्यान देना ठीक अब ध्यान से सुनो बच्चों फटाफट पट ध्यान देना तो हम लोग यहां पे आ चुके हैं जैसा कि मैंने आप बताया क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स प्लस बीवाई स्क्वायर इक्वल जीरो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्योंकि ये ओरिजिन से पास होता है लेकिन आप इसी इक्वेशन में जरा ध्यान देना आप इसी अभी तक आपने जो सीखा आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब पाटिल कार्तिक बेटा एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेपरेट होगा ही नहीं जो लोग भी बोल रहे हैं सर अगर ये एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो कैसे करेंगे सेपरेट ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं तुमको भाई लिख के ले लो ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं सो so, अब ध्यान देना अगर आपके पास पेर ऑफ स्ट्रेट लाइन है बच्चों और आपको निकालना है ऑक्सिलरी ध्यान देना ऐसे बहुत सारी जगह आएंगी जहां पर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहां पे हम इस ऑक्सिलरी ऑग्जिलरीक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो कैसा करने का बेटा

कहां से M क्या हो जाएगा सर X यहाँ भेज दो Y अपॉन एक्स मतलब किधर भी Y Y आया क्या क्या पुट करोगे M ये y X M ये हो जाएगा B कॉपी किया अरे भाई Y स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा जो Y अपॉन एक्स है M M M तो Y स्क्वायर 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 हो जाएगा हमारा इक्वेशन बहुत आसान होता है एकदम ध्यान से सुनना आपके पास कोई भी पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन दिया गया हो एंड उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है मतलब इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ बेटा in terms of M बोला मतलब स्लोप के फॉर्म में किसके फॉर्म में बोलो स्लोप के फॉर्म में आपको कोई भी ऑक्सिलरी आपको कोई भी पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन दिया गया हो और अगर उसको स्लोप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्लोप मतलब एम के फॉर्म में तो कैसा करने का बेटा उसको एक्सक्वायर से डिवाइड करने का हमेशा से सर से क्यों अरे भाई जब तू एक्सर से डिवाइड करेगा तभी तो एम तो लिख पाएगा तो से तो होता ही नहीं है बराबर चलो था स्क्वायर से डिवाइड करो क्या मिलेगा बच्चों बी एम स्क्तर प्लस टू एच एम प्लस एक्वल जीरो अब इसी के अंदर ध्यान देना सब लोग याद कर लो बच्चों अगर आपके पास आपका जो पेर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है राइट अगर आपको पेर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो अगर हमारे लाइन के अंदर दो लाइन है भाई दो ही लाइन है क्योंकि पेर बोल दिया दो लाइन है मान लो एक का स्लोप है एम वन एक का स्लोप है एम टू अगर किसी ने बोला एम वन प्लस एम टू निकालो सर एम वन प्लस एम टू होता है माइनस टू एच अपॉन बी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोलो एम वन प्लस एम टू का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू एच अपॉन बी एंड एम वन एम टू स्लोप है सम ऑफ द स्लोप क्या हो गया बेटा सम ऑफ द स्लोप्स नाउ यू कैन सी सम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी एम वन प्लस एम टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस टू एच अपॉन बी एंड वॉट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोब्स यस एम वन टू क्या होता है सर ए अपॉन बी सो दिस इज योर सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ बोलो सम ऑफ़ सम्लोब्स माइनस टू एच अपॉन बी प्रोडक्ट ऑफ स्लोब्स ए अपॉन बी ऑग्सरीक्वेशन बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस एक्वल टू जीरो कैसे निकालने का ऑक्सलर इक्वेशन अपने पेर ऑफ स्टेट लाइन के इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना और जिधर भी वाई अपॉन एक्स दिखा उसको एम लिखने का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दिखा एम स्क्वायर लिखने का नेक्स्ट एंगल बिटवीन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चे को नहीं आता आना चाहिए भाई अगर आपके पास दो लाइन दी गई है भाई दो लाइन दो लाइन अरे पहला लाइन और दूसरा लाइन पहला लाइन और दूसरा लाइन उनके बीच का एंगल है थीटा। थीटा। बेटा उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। <coughs> सो, अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है उनके बीच का एंगल थीटा है तो बोलो टेन थीटा इज इक्वल तो, टू टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों ध्यान से देखना एकदम बढ़िया तरीके से देखना बोलोगे सर में क्या difference है अरे भाई पे पे भी दो है, यहाँ पे भी दो दो राइट ना दोनों में डिफरेंस ये वहां पर हमें दोनों लाइन का अलग अलग स्लोप दिया गया था बट यहाँ पे दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया है स्लोप नहीं दिया है सो आप क्या करोगे इक्वेशन दिया है तो वहां से ए निकालोगे एच निकालोगे बी निकालोगे जैसे ही आपने ए एच बी निकाला तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ माइनस ए बी आर जो मैं बता दिया आपको इफ लाइंस आर परीरोक्वाइनस ए बीवल टू जीरो वाह वेरी नाइस वेरी नाइस सो ये जो भी बताया मैंने ये सब आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर थे जहां पे आपका लाइन ओरिजिन से पास होता है तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस की तरह दिखता है अगर उस इक्वेशन को एक्स से डिवाइड किया तो क्या बनेगा बेटा बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस इक्वेशन क्या बोलते हैं बेटा अब अगर आपके पास pair of line दी गई है, no है तो इसके अंदर अपने को दो लाइन मिलेगी मान लो एक का स्लोप है एम वन और एक का स्लोप है एम टू सो अगर दो लाइन दी गई है दो स्लोप है तो अगर मुझे किसी ने बोला भाई एम वन प्लस एम टू क्या होगा मैं बोलूंगा आसान है एम वन प्लस एम टू होगा माइनस टू एच अपॉन बी एम m1 इंटू एम टू होगा ए अपॉन बी जिनको जानना ये कैसे आता है ना तो भाई हमने ऑलरेडी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर लिया हुआ है आप जाके देखो सब समझ में आ जाएगा पूरा किया हुआ है 2h b b a लेना क्योंकि ना आगे जब मैं कुछ ऐसे एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां ये सब चीजें आने वाली है तो आपको घबराना नहीं है बस आपको क्वेश्चन देखना है और मैंने कैसे बताया उस बात को ध्यान में रखना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे अब आता है बच्चों जनरल इक्वेशन अरे भाई कौन सा इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ पेर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट मींस नाउ इन दैट सिनारियो इन दिस सिनारियो आवर लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन भाई लोग हमारी लाइन ओरिजिन से नहीं पास होगी हो oh, सकती है बात की बात है बट इन जनरल इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब क्या होगा एन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो प्लस सी टू इक्वल टू जीरो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास दो लाइन है पहली लाइन अरे भाई पहली लाइन क्या है पहली लाइन क्या है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल जीरो मतलब इन दोनों लाइन को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हो बोलो पहली लाइन कौन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो अगर आप इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो कैसा इक्वेशन मिलेगा जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्टेट लाइन कैसा इक्वेशन बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्टेट लाइन क्या होगा बोलो ए ये तो जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था वही बता रहे अरे भाई स्टैंडर्ड का आधा पार्ट है आधा पार्ट अलग से आने वाला है तो यहां तक तो अपना स्टैंडर्ड है मतलब जब ओरिजिन से पास होता है एक कंफ्यूज मत होना बच्चों मैं हमेशा अपने पेयर ऑफ स्टेट लाइन में दो चीजें बोलता हूं एक स्टैंडर्ड जनरल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है ओरिजिन से पास होना और जनरल मतलब कहीं से भी पास होना कहीं से भी समझ गए ना लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर हमेशा वो ओरिजिन से ही पास होता है so, यहाँ पे तो पे हम बात जनरल जनरल इक्वेशन के बारे में यस सो इन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो A2X plus B2Y plus C2 अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा सर स्क्वायर प्लस प्लस ध्यान देना टू जी एक्स टू एफ वाई अरे प्लस सी इक्वल टू जीरो नंबर अब कभी कभी ये लोग बहुत नाटक करते हैं ये लोग जानबूझ के ऐसा ही दिखने वाला जरा ध्यान देना इसी की तरह दिखने वाला ऐसा एक जनरल इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे अरे चेक करके बताओ ये पेरा ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं बोलो चेक करके बताओ अब ये करके बताओ ऐसा गाना गाते हैं वो लोग अब ये करके बताओ कि पेरा ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं लिख दिया कंडीशन फॉर चेकिंग पेयर ऑफ स्टेट लाइन मतलब अगर आपको पेयर ऑफ स्टेट लाइन चेक करना है ये पेरस्टेट स्टेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं तो कैसा याद रखने का बेटा ध्यान से सुनना समझे ऑल हैप्पी गर्ल्स क्या बोला मैंने ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड फिर से सुनो ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड भाई बेस्ट फ्रेंड जी फॉर गोइंग एफ फॉर फॉर सी फॉर कॉलेजी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज फिर से सुनो ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज देखा आपने अगर ये आपको याद है तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों तो आप क्या निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट और क्या आना चाहिए इक्वल टू जीरो अगर आपके पास जो भी लाइन दी गई है जो कि इसकी तरह दिखाई दे रहा है तो वहां से ए निकालो एच निकालो बी निकालो जी निकालो एफ निकालो सी निकालो और सारी की सारी वैल्यू ये डिटरमिनेंट में पुट कर दो लेकिन डिटरमिनेंट में कहीं भी कुछ भी नहीं पुट करने का ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज वैल्यू पुट करने का और उसका डिटरमिनेंट निकालने का और देखने का क्या डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया इसका मतलब क्या सर वो पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन है अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया मतलब पेर ऑफ स्टेट लाइन का कुछ लोग ये डिटर्मिनेंट से कंफर्टेबल नहीं होते जैसे मेरे जैसे लोग मजा नहीं आता यार कौन डिटर्मिनेंट सॉल्व करे तो मैंने क्या किया उसको सिंपलीफाई कर दिया तो कैसे सिंपलीफाई किया ए बी सी डी ई एफ जी एच अरे सर ये क्या लिख रहे हो कुछ नहीं समझो समझ आएगा ए बी सी सॉरी सिक्वेंस में ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे ही करते ना तक तक लिखो बस इतना चेक करो आपके करतेट लाइन में ए मिलेगा बी मिलेगा सी मिलेगा एफ मिलेगा जी मिलेगा एच मिलेगा लेकिन डी और ई e नहीं मिलेगा सर ध्यान देना आपका इक्वेशन जो भी होता है मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा कहीं पर भी आपको देखो ए मिल गया एच मिल गया बी मिल गया जी मिल गया एफ मिल गया सी मिल गया डी और ई मिला क्या नहीं डी और मिला क्या नहीं तो so, मैं क्या करूंगा ये डी को और ई e को हटा दूंगा बेटा कितने लोग को हटाया मैंने दो लोगों को कितने लोगों को हटाया दो लोगों को तो मैंने वहां पे लिख दिया टू यस yes, कितने लोगों को उठाया मैंने दो लोगों को यहां पे लिख दिया मैंने टू अब फॉर्मूला क्या बनेगा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच उसके बाद माइनस पहला दूसरा ए एफ अब बाजू में टू से स्क्वायर कर दो सॉरी पहला पहला हो गया अब दूसरा दूसरा ले लो तो बी जी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर फिर तीसरा तीसरा ले लो माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो देखा आपने एकदम बढ़िया तरीके से दिया मैंने ओके क्या बात है बच्चे बोलते सर बेसिक बड़ा फास्ट लो हाँ बेटा चलेगा चलेगा ओके okay. चलो वेरी गुड अनु बोलता है बेसिक फास्ट में क्वेश्चन को टाइम दो अच्छा <laughs> चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे आई थिंक सबको क्लियर हो गया एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर देखा तो इन दोनों का यूज करके हम पेर ऑफ स्टेट लाइन को चेक करते हैं और ये रहा हमारा लास्ट पार्ट बच्चों ये रहा हमारा लास्ट पार्ट अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है सर इंटरसेक्शन एच एफ माइनस बी जी डिवाइड माइनस एच स्क्वायर जी एच माइनस ए एफ डिवाइड बराबर आप ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों बी जी माइनस एच एफ डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए बी का कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बुक में ये ये दिया आपने करवाया भाई दोनों ही है इधर इधर से लो, से माइनस माइनस कॉमन कॉमन लो लो काम खत्म ना तो मैं HF BG AB लिखू, या दोनों में से माइनस कॉमन लेके कोई भी निकालो यस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट The point of intersection. Yes. चलो चलो बच्चों अपने, अपने पास इक्वेशन दिया गया है अब बताओ इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में ए इधर एक्सवाई एक्सक्वायर के बाजू में ए और यहां पर एक्सक्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं मतलब इधर के बाजू में टू एच और इधर एक्सवाई के बाजू में थ्री तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी सर थ्री बाई टू y स्क्वायर के बाजू में b और इधर बेटा y स्क्वायर के बाजू में कौन है 2 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 राइट right. अभी बहुत सारे क्वेश्चन है टेंशन मतलब हो जाएगा आ जाओ x के बाजू में 2g और इधर x के बाजू में कोई नंबर नहीं तो 1 तो g की वैल्यू हो जाएगी 1/2 फिर नेक्स्ट y के बाजू में बेटा क्या होता है My, एक मिनट y के बाजू में 2f और इधर वाई के बाजू में कोई नंबर नहीं तो वन बट साइन माइनस है H है B है G है F है, C है अब आपने जो फॉर्मूला देखा सर कौन सा फॉर्मूला भी फॉर्मूला बोलो क्या होता है एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर बोलो क्या है बच्चों एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर और क्या था भाई एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच फिर जी एच माइनस ए एफ बोलो क्या है बेटा जी एच माइनस ए एफ तो जी एच माइनस ए एफ डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस आपको सारी वैल्यू पुट करनी है एच की वैल्यू थ्री बाई टू एफ एफ की वैल्यू माइनस वन बाई टू माइनस बी बी की वैल्यू टू एंड जी जी की वैल्यू वन बाई टू और डिवाइड बाय ए बी ए के प्लेस पे वन बी के प्लेस पे टू माइनस एच स्क्वायर यहां पे एच कौन so, है बेटा थ्री बाई टू सो थ्री बाई टू का स्क्वायर देखा आपने चलो कौन जी एच जी एच वन बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू इंटू थ्री बाई टू माइनस ए एफ ए क्या बेटा क्या है वन और F कितना है F है माइनस वन बाई टू तो वन इंटू माइनस वन बाई टू होल डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर तो वन इंटू टू माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर बस इसको आप सिंपलीफाई करो आंसर आ जाएगा इसके बाद मैं नहीं सॉल्व करूंगा ये सिंप्लीफिकेशन आपका काम है अगर ध्यान देना इसको क्योंकि कैलकुलेशन पर आप करो ठीक है क्या सभी लोग कर लोगे इसको यस फटाफट चैट बॉक्स बोलना क्या सभी को यहां क्लियर है देखो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इसलिए भूल नहीं जाना इसे थोड़ा भी भूलना मत क्योंकि मैंने देखा है कई सारे बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मुला बोलते कौन याद करे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है कौन याद करे इसको क्लियर बच्चों हा है ना वेरी नाइस एक नंबर So, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे अब आ गया सर आ गया एंगल हमने तो आपको एंगल भी निकालना सिखा दिया सर। आपको सॉल्यूशन में क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सेक अल्फा जानबूझ के मैं एक्स वाई साइड में कर रहा हूं प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस अब डायरेक्टली हत हाँ बेटा इसके अंदर जो डेरिवेशन करने जाओगे आप आ, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्टेट लाइन कर लो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस कर लो और फिर एक होमोजीनियस वाला ये तीन कर लो इसमें से मैक्सिमम आ जाता है चलो 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 अभी मुझे क्या निकालना है एंगल सर एंगल कैसे निकालते हैं अरे जब पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन दिया तो क्यों सोचता है अरे फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच कौन सर वन एक्सक्वायर के बाजू में ए होता है जो कि वन है टू एच के बाजू में ए, के बाजू में टू एच होता है भाई एक्सवाई के बाजू में टू एच राइट ओके लोकेश बोल रहा है सर रॉन्ग लिखा क्या रॉन्ग लिखा बेटा ओके okay, इसमें क्या रॉन्ग है भाई देख लो सब लोग पहले सही है क्या एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर ओके थैंक यू बेटा थैंक यू लोकेश मत कर फटाफट मिस्टर लोकेश बाकी लोग क्या बोलते हो क्या करेक्ट है सब लोग अथरवा बोलते सर माइनस वन बाय टू है, है. किधर बेटा रुक जाओ रुक जाओ चेक कर दो बी जी बी कितना दिया हमें बी टू दिया है जी दिया वन बाय टू सही है एक बार चेक कर लेता हूं कोई दिक्कत नहीं मुझे एच एच की वैल्यू है थ्री बाय टू एफ एफ की वैल्यू है टू जी की वैल्यू बेटा जी की वैल्यू है बाय बेटा थ्री बाई टू का स्क्वायर सही है यहां पे आ जाओ जी एच जी क्या है 1 2, H, H is 2, A, F, A की वैल्यू वन और एफ की वैल्यू माइनस वन बाई टू होल डिवाइड बाय ए बी तो ए के प्लेस पे वन बी के प्लेस पे टू और माइनस एफ मतलब थ्री बाई टू का स्क्वायर करेक्ट का करेक्ट तो है है गाइस क्या यस और नो ए बाकी लोग स्पैम मत करना ठीक है गाइस सारी वैल्यू हमने प्रॉपर पुट की है वेरी गुड क्या सभी लोग कंटिन्यू सॉरी कंफर्म करते हैं सब सही है यस और नो यस परफेक्ट आगे बढ़े हम लोग वेरी गुड वेरी गुड बच्चों ये हुई ना बात चलो देखो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना उनको मालूम पड़ता है फटाफट फड़ में वैल्यू पुट करने में गलती हो जाए बट मेरे हिसाब से तो नहीं पे हम ने फटाफट फड़ पुट किया बट आंसर आया अरे हम लोग यहाँ पे थे सर हम तो निकाल रहे थे ए और एच की और बी की वैल्यू चलो फास्ट दे रहा भाई अब क्या बुलेट ट्रेन बन जाऊ एक्स वाई के बाजू में टू एच तो टू एच यहाँ पे क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ सेक अल्फा तो भाई लोग एच की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा की टू से कैंसल और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई के बाजू का नंबर हमारे पास सारी वैल्यू है चलो पुट करो टू इंटू स्क्वायर उच के प्लेस पे सेल्फा एच तो स्क्वायर तो सेक स्क् माइनस ए बी वन इंटू वन इज वन डिवाइड बाय ए प्लस बी वन प्लस वन ओ मजा आ गया मजा आ गया भाई मजा आ गया टू कॉपी किया और स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन क्या होता है सर टेन स्क्वायर अल्फा ओए ओ क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर माइनस वन क्या होगा टेन स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस वन इज टू 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 कैंसल टेन थीटा इज रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा मॉडल से बाहर गया टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अल्फा? थीटा की वैल्यू क्या मिली अल्फा यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने देखा आपने हा या ना देखो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है बेटा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्स यस दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ में बना रहे हैं फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल ये समझ के लेना बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कैसा बनेगा देखो एक लाइन ऐसा आएगा बराबर फोर्टी फाइव हां अब जो दूसरी लाइन आएगी वो ऐसे आएगी ये भी बनाएगा 45 डिग्री बराबर देखा अपने इस तरीके से बनेगा प्लस फोर्टी फाइव माइनस क्योंकि देखो ये आपका एंटी क्लॉक वाइज में है तो प्लस फोर्टी फाइव क्लॉक वाइज में वो प्लस और ये माइनस है देखा आपने सो so आप नाम दे दो चाहिए तो तो दिस इज और हो गया OB. तो OA जो है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है इसलिए उसकी वैल्यू है प्लस फोर्टी फाइव डिग्री और ओ बी बच्चों क्लॉक वाइज डायरेक्शन की वैल्यू क्या है माइनस फोर्टी फाइव तो फटाफट फ़ड़ स्लोप निकाल लो सर इसका स्लोप क्या होगा एम वन टेन फोर्टी फाइव ए बेटा वन होता है इसका स्लोप क्या होगा सर एम टू टेन माइनस फोर्टी फाइव टेन माइनस फोर्टी फाइव माइनस साइन बाहर निकाला टेन फोर्टी फाइव वन होता है मतलब दोनों का स्लोप क्या मिला सर प्लस वन माइनस वन अब आपको पता है कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स अब यहां पे दो लाइन है

यस yes, क्या सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन भी एक सर एग्जाम में आए बस सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बेटा जल्दी बोलना फटाफट हेलो 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 वन टू थ्री ओके ओके

चलो आगे बढ़ते हैं तो बोलती है, फर्स्ट टाइम लास्ट मल्टीप्लाई किया ना सर अच्छा मैं समझा नहीं तेरी बात चलो आ जाओ ऑफ कर दो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ओए मजा आ गया मजा आ गया हर टाइप के क्वेश्चन हो रहे इसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो सल्यूशन क्या बोलती है पब्लिक इफ सम ऑफ द स्लोब्स ऑफ द लाइन इज टॉइज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोब्स अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना क्या कहते हैं सर क्या बात है जरा बता दो सही जब कभी भी हमारे क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी अरे यश बेटा एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट सो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये वैल्यू आती ठीक है चलो 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 सो so, जब कभी भी हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन दे और उनके स्लोप के बारे में कुछ भी बात करें कि भाई सम ऑफ द स्लोब कितना गुना है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का या उनके स्लोप के बीच का डिफरेंस इतना है या एक स्लोप दूसरे स्लोप से इतना ज्यादा है तो जरा ध्यान दे जो मैं बात कर रहा हूं आपसे जब ये तीन ही कंडीशन देगा जो मैं बता रहा हूं बच्चों इसके अलावा चौथा कंडीशन बहुत ही आपका बैड लैक होगा तभी तो मिलेगा कोई बात नहीं बट हाँ एक और आता है इफ वन स्लोप इज के टाइम्स ऑफ स्लोप टू मतलब तीन कंडीशन आएगा बेटा पहला कंडीशन कि एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एम वन एम टू जो बता रहा पूरे चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ और मिलेगा नहीं इसलिए ध्यान दो दूसरा कंडीशन कि स्लोप के बीच का डिफरेंस है कोई एक नंबर तीसरा कंडीशन एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से के नंबर ज्यादा है या कम है और चौथा कंडीशन कि कोई एक लाइन का स्लोप के टाइम्स है स्लोप टू का पे के वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों ध्यान देना ये जब कभी भी मैं बता रहा हूं जब कभी बोलेगा कि स्लोप ऑफ द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज के द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर राइट ना एंड उसके बाद ऐसा या one slope is K times of M2. ऐसे चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आ जाए समझना तरीका सेम है भाई तरीका सेम है सर क्या तरीका है अरे कुछ नहीं बेटा ये जो इक्वेशन है उसको पहले कॉपी कर लेने का एकदम चुपचाप चुपचाप कॉपी करने का फिर उसको कंपेयर करने का किससे कंपेयर करने का सर अरे रे, स्टैंडर्ड रेट इतना जोश रू एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बेटा चारों में से कोई भी कंडीशन आए मैं फिर से बता रहा हूं दोनों लाइन के स्लोप का सम के मतलब के वैल्यू कोई नंबर होगी टाइम्स होगा दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट सेम फिर दोनों लाइन के स्लोप के बीच का डिफरेंस टाइम्स होगा या होगा एक लाइन का स्लोप दूसरे वाले लाइन के स्लोप से ज्यादा होगा या के कम होगा एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का के टाइम्स होगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चों करना क्या इक्वेशन लिखना कंपेयर करना और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी सर -k राइट वेरी नाइस और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 क्योंकि x2 के बाजू में a इधर x2 के बाजू में 2 xy के बाजू में 2h इधर xy के बाजू में -k इधर y2 के बाजू में b इधर y2 के बाजू में 4 उसके बाद आप क्या करना इतना होने के बाद सम ऑफ स्लोप्स

कि उस कंडीशन को पकड़ना है कंडीशन क्या दिया बेटा सम ऑफ द स्लोप्स मतलब क्या एम वन प्लस एम टू इज इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब टू प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मतलब एम वन इंटू एम टू देखा 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 सम वन प्लस एम टू मतलब सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस मतलब दो गुना

और जो जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करना है जल्दी रिप्लाई करना क्या सभी को समझा एक नंबर यस 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 बच्चों ने साथ में मेरे आंसर लाया इसका मतलब समझ गया मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अपने को ये जो तरीका है वो हमेशा कभी कभी करने का बेटा ये पहले वाले पे सेकेंड वाले पे थर्ड वाले पे ये तो कंडीशन लिख दो कंडीशन है ठीक है ऐसे कभी भी कंडीशन आए तो आपको ऐसे ही करना है भाई कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ऐसे ऐसे ही करना है ठीक है याद रखना ये जो एम वन माइनस एम टू है ना इसके केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सा फॉर्मूला बेटा इन दोनों केस में एक फॉर्मूला है एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ एम वन एम टू प्लीज ध्यान देना जब आप एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर करके उसमें से माइनस फोर टाइम्स को सब्रैक्ट करोगे तो जो भी आंसर आता है ना वो एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर ही होता है वेरी गुड चलो पुरुषोत्तम बेटा हमने बेसिक्स क्लियर क्वेश्चन भी किए आप लगता है ध्यान नहीं दे रहे हो यही तो मजा है चलो अभी आगे बढ़ते हैं चलो ए एंगल बिटवीन लाइंस होमवर्क ये होमवर्क है एंगल बिटवीन लाइन तो मैंने सिखा दिया बोलो कौन सा फॉर्मूला टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस बी राइट कंफर्म बच्चों वेरी गुड ओके टेन थीटा देखा आपने क्लियर ये होमवर्क है भाई ये होमवर्क है वैल्यू ऑफ एच इफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्सेंट टू को नहीं बताऊंगा आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे करने का <clears throat> ये क्वेश्चन कैसे करना है आपका चैट में देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों टाइम छोड़ो अरे टाइम छोड़ो बेटा आ जाओ आ जाओ जिन बच्चे को कंडीशन नहीं दिखा प्लीज वो कंडीशन बाद कार्तिक ने सही बोला कार्तिक बेटा यू आर राइट एक नंबर एक नंबर बाकी लोग भी सही बोल रहे हैं कि नहीं प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू क्यों अच्छा <laughs> बच्चे समझ गए कि कोई इंसिडेंट मतलब कोई की बात हो रही है मतलब एक कंडीशन आएगा सर एच स्क्वायर माइनस ए बीज इक्वल टू जीरो लेकिन ध्यान देना यहां पे स्मॉल एच दिया है ना तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कैपिटल एच स्क्वायर माइनस ए बीवल टू जीरो लिखना क्योंकि याद रखना बच्चों जब कभी भी आपके इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल एच स्म देता है उसको हमेशा कैपिटल से कंपेयर करो तो क्या होगा आपका कंडीशन आपका जो आ, क्या बोलते हैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों फोर टू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एच तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल एच बाई टू देखा आपने बोलो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन सारी वैल्यू आ गई एंड लाइन आर को इंसिडेंट देर माइनस टू जीरो स्क्वायर रूट तो बोलो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस फोर यस प्लस माइनस फोर बोलो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस फोर जयश बेटा कंडीशन वाला क्या लेना है कंडीशन वाला जो है आप सब कुछ वही सेम तरीके से करना है ठीक है क्योंकि ये M2 को इधर भेजोगे तो आएगा राइट right. यस yes. वो आ गया लो जयश ने बोला सर कंडीशन वाला क्वेश्चन लो सर ब्यूटीफुल क्वेश्चन थैंक यू सुजल बेटा अच्छा लग रहा है मुझे मुझे अभी देखो सेम क्वेश्चन बेटा ध्यान देखो गौर से देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन के स्क्वायर माइनस फोर एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफर बाई टू मतलब क्या होता है स्लोप के बीच का डिफरेंस टू है एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू टू मैंने क्या बोला स्लोप के लिए कुछ भी कंडीशन दिया ये नरेंद्र बेटा स्पैम मत कर क्या रिपीट करना है नरेंद्र पीछे वाला क्वेश्चन देख ले या, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ सोचना ही नहीं कोई इंसिडेंट बोल दिया तो कंडीशन होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो माइनस ए बी इक्वल टू जीरो अभिषेक बोलता है कितना अच्छा लगता है जब टीचर का और अपना आंसर सेम यस बेटा सही बोल रहे हो आप अरे मेरे प्यारे लाल जल्दी बोलना फटाफट एकदम बढ़िया अब ठीक है सो so, क्या बोला इफ द स्लोप के बीच का डिफरेंस टू है बेटा अगर स्लोप के बीच का डिफरेंस टू है ना एम वन माइनस एम टू टू लिख दो बात खत्म सर कुछ बच्चे ऐसे ही बोलेंगे सर क्या हम लोग एम टू माइनस एम वन टू लिखे तो चलेगा अरे चलेगा अरे चलेगा चले टेंशन की लेता है एम वन माइनस एम टू 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 बोल या एम टू माइनस एम वन टू बोल दोनों चलेगा एक बच्चा डॉक्टर दोनों चलेगा बेटा तो स्लोप्स के बारे में कंडीशन बोला मतलब अरे बाबा जी ने बोला है क्या बोला है भाई यस yes, कि अपने को क्वेश्चन ऐसा ही करने का क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना है सर कैसा करने का कंपेयर करने का मेरे प्यारे प्यारे भक्तों बच्चों आ जाओ टू एच एक्स वाई प्लस स्क्वायर इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर के बाजू में ए और इधर के एक्स वाई के बाजू में टू एच इधर माइनस फोर स्क्वायर के बाजू में बी इधर वन क्या बात है क्या बात है सो so, ए की वैल्यू के टू एच की वैल्यू माइनस फोर बी की वैल्यू यहां पे कोई नहीं और सबका मालिक एक तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों वन अभी क्या निकालने का सर एम वन प्लस एम टू क्या होता है माइनस टू एच अपॉन बी ना माइनस एज इट इज नाउ वॉट इज द वैल्यू ऑफ टू एच बेटा माइनस फोर है डिड बाई बी माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन वन क्या हो जाएगा four. फिर M1 into M2, क्या हो जाएगा ए अपॉन बी नॉट इज दूट इज वैल्यू ऑफ बी सर के मतलब one हो, जाएगा, तो upon K हो जाएगा? अभी तुम्हारे पास एम वन प्लस एम टू है एम वन इंटू एम टू है ना मैंने बताया था एम वन माइनस एम टू टू दिया है अभी आपको पता है बच्चों याद कर लो m1 वन माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 वन प्लस एम होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ m1 m2 इसको आप सिंपलीफाई करोगे ना यही आएगा मतलब ये उसी का फॉर्मूला ही है चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा m1 वन माइनस एम टू है तो टू का स्क्वायर m1 वन प्लस एम सर फोर है तो फोर का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ एम वन क्या है बेटा के तो टू का स्क्वायर

दो सवाल खत्म कर दिए क्या बात है समझा सबको ये सोनो नीचे क्या बात है सबको क्लियर है इसका मतलब अभी आपको ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया चलो 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 चलो, चलो आ जाओ अब 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 ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है सर ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है आ जाओ भाई इसके पास भी जरा क्या लिखा है इफ द वन ऑफ द लाइन गिवेन बाय द इक्वेशन इज दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के कैसा करें सर अभी अभी सब लोग ध्यान से सुना ये जो क्वेश्चन है बेटा किस टाइप का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बेटा किस टाइप का क्वेश्चन है वो समझते हैं पहले वो समझते हैं ध्यान देना आपको इसमें दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ऑफ करना चैट अभी सब लोग बहुत ध्यान देना कुछ बच्चे पूछ रहे सर कब तक होगा लेक्चर अरे लेक्चर देखो बेटा लेक्चर देखो ठीक है राइट चलो सो so, अभी इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या बोलेंगे कि आपके पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका एक लाइन आपको दिया गया है या एक कोइंसिडेंट है या एक लाइन पैरल है मतलब ये तीनों में भी नहीं सेम होता यार। एक लाइन दिया गया है एक लाइन कोइंसिडेंट है एक लाइन पैरल है ये तीनों का मीनिंग सेम है ठीक है पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई आपके पास पेयर ऑफ स्टेट लाइन है और इस पेयर ऑफ स्टेट लाइन में किसी एक लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर मतलब दूसरी लाइन दी परपेंडिकुलर दी होंगी बस याद रखना या तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट आएगा या तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आएगा ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन में या तो बोलेगा पैरेलल का कॉन्सेप्ट या तो बोलेगा परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट पैरेलल में क्या बोलेगा कि हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन पैरेलल है या उसमें से ये एक लाइन है राइट right? परपेंडिकुलर में क्या बोलेगा हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है समझ गए सो पैरेलल परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया और उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड द कंडीशन या फाइंड द रिलेशनशिप या फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऐसा कुछ भी आ गया डरने का नहीं पहले अपने इक्वेशन को ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेटा ध्यान से सुन कई लोगों को हो सकता है कम समझे लेकिन बहुत ध्यान से देखो समझ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूं देखता हूं मेरे सारे बच्चे इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझ पाते कि नहीं देखता हूं मैं देखूंगा चैट ऑन रुको जरा रुको जरा सेफ वन ऑफ द लाइन गिवेन बाय दिस इक्वेशन लिख दो थ्री एक्स स्क्वाइनस एक्स वाई प्लस फोर के

ज इक्वल टू जीरो क्या बात है क्या बात है अब ये आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गया बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन अब हम क्या बोलेंगे स्लोप ऑफ हमेशा ये जो लाइन दी रहेगी अलग से उसका स्लोप निकालना स्लोप ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो इज माइनस टू अपॉइंट थ्री अरे माइनस ए अपॉइंट बी होता है ना किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है माइनस ए बी तो माइनस टू अपॉइंट थ्री यस यस माइनस टू अपॉइंट थ्री अब देखो जरा भाई लोग अभी आएगा ना मजाक कैसे बोलोगे सिंस सिंस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो सिंस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो इज पैरेलल टू वन ध्यान दो सब लोग राइट सिंस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज पैरल टू वन ऑफ द लाइन गिवेन बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस फोर के वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो क्योंकि इसमें साफ साफ बोला बच्चों वन ऑफ द लाइंस इज गिवेन बाय दिस वन इज दिस वन मतलब आ, हमारे पास एक लाइन दी गई जो इसका स्लोप होगा जो इसका अंदर का स्लोप होगा इसका स्लोप हो वही लाइन है ना बेटा पैरल में आ जाए या यही वही लाइन बोल दे इसका मतलब क्या था? स्लोप सेम ही है, परपेंडिकुलर था तो हम क्या करते स्लोप का है, कर लेते हैं टू माइनस टू बाई थ्री राइट सो आपका इक्वेशन यहां पर जाए इक्वेशन वन में इन वन तो वन क्या है बेटा थ्री माइनस एम थ्री माइनस एम के प्लेस पे माइनस टू अपॉइंट थ्री प्लस किया को किया माइनस बेटा के पे किया एम के प्लेस ये so, क्या, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू अपॉइंट थ्री फिर प्लस फोर के कॉपी किया हमने माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर नाइन इक्वल टू जीरो अभी आप क्या कर उसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करना है बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा थ्री और नाइन में बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर दोन थ्री सेवन यहां पे नाइन से मल्टीप्लाई किया थ्री 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 टू हो जाएगा Nine से मल्टीप्लाई किया so so बड़ा के क्या हो जाएगा माइनस थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन यस तो ध्यान समझना अगर इसके अंदर पैरेलल का कॉन्सेप्ट आए क्योंकि वन ऑफ द लाइन बोल दिया मतलब पैरेलल का कॉन्सेप्ट है बच्चों जब कभी भी पैरल का कॉन्सेप्ट आएगा तो करना क्या है आपको इक्वेशन लेना है से डिवाइड करना है है ऑक्सिलरी फॉर्म में आ आ जाएगा जाएगा मतलब इन टर्म्स ऑफ अब है, तो उस लाइन का स्लोप निकाल दो पैरल होने की वजह से जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा मतलब मैं एम के प्लेस पे वो नंबर पुट कर सकता हूं और मैंने कर दिया और करने से मेरा आंसर आ गया अगर यहीं पे बोला होता परपेंडिकुलर हम लोग क्या लेते इसका रेसी प्रोकल लेकर के साइन चेंज करते क्योंकि इसका स्लोप है माइनस टू बाई थ्री का स्लोप क्या हो जाएगा अब बताओ बच्चों सबको समझा इसके अंदर हमेशा ये दो ही कॉन्सेप्ट कौ, कौ, देगा यस बच्चों फटाफट बोलना फटाफट बोलना सभी लोग इसके अंदर ये दो ही कॉन्सेप्ट देगा राइट नीचे करना कोई ये तो है। है। ठीक एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा पैरल या तो परपेंडिकुलर करना क्या ऑक्सिलरी स्टेप देख लो ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो पैरल है तो स्लोप निकाल करके उस स्लोप को एम के प्लेस पे पुट कर देना लेकिन अगर यहीं पर आएगा परपेंडिकुलर सेम ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो स्लोप निकालो लाइन का और बाद में स्लोप निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकर लेकर के साइन चेंज कर दो फिर पुट करो क्योंकि परपेंडिकुलर है ओके yes. okay, बच्चों आ गया आ गया अरे भाई वो आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया सर आ गया भाई आ गया uh, एक बच्चा बोलता है प्रतेश की सर उधर मेंशन नहीं था पैरल है बेटा मेशन नहीं है लेकिन वो लाइन बोला है ना उसने यहां पे बोला है कि इसमें से ये लाइन है तो इन शॉर्ट वो पैरल ये को ही है समझ गए तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर एक वो पेर ऑफ स्टेट लाइन में से एक लाइन ये है ऐसा बोले या मेरे पेर ऑफ स्टेट लाइन के पैरल में ये लाइन है या मेरे पेर ऑफ स्टेट लाइन के को में ये लाइन है तीनों का मीनिंग सेम होता है समझ गए तीनों का मीनिंग सेम होता है बेटा एकदम चलो आ जाओ अब मेरी बात ध्यान से सुना ये क्वेश्चन देखो समझ गए होंगे कि वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस सो कैसा करने का बेटा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोला है देखो ये क्वेश्चन आपने किया है मुझे पता है ये बात इसको कंपेयर करोगे सर किससे कंपेयर करने का करना 2hx y by2 यस yes, बच्चों एक नंबर बच्चों ने डिटरमिनेंट बोल दिया एबीसी बोल दिया एक नंबर ये हुई ना बात प्लस 2gx plus 2fy 0 ये क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है आपको तरीका मतलब आपने पहचान लिया ना भाई आपने पहचान लिया कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है और एक चीज याद रखना सभी लोग टोन खोल करके सुन लो यार

x के बाजू में 2g और यहाँ पे x तो है ही नहीं अरे भाई 16 मत लिखना वो y का बंदा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 क्योंकि जो मिसिंग वो 0 y के बाजू में 2f और इधर y के बाजू में 16 तो 2f equal to 16 f equal to 8 कांस्टेंट टर्म इज k अब आप क्या बोलोगे सर सिंस गिवन लाइंस आर अरे कौन सा लाइन भाई लाइंस lines. Lines अगर यह पेयर ऑफ लाइन्स है मतलब उस कंडीशन को करता है सेटिस्फाइड अगर यह पेयर ऑफ लाइन्स है मतलब उस कंडीशन को करता है सेटिस्फाई सर कौन सा कंडीशन ऑल हैप्पी गर्ल्स है अगर आपको डिटर्मिनेंट पसंद है वो करो अदरवाइज तो मैं तो बोला हूं मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है बस वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना होता है सो एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्स बीजी इक्वल टू जीरो बच्चों सारी वैल्यू पुट करो सिंप्लीफाई करो और इसके बाद रहेगा आपका होमवर्क इसके बाद रहेगा आपका होमवर्क क्या बोलती है पब्लिक यस yes. क्या बोलती है पब्लिक सबको क्लियर ये टाइप का क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम है सब लोग कर सकते हो कि नहीं यस yes, बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए भाई मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको यार क्योंकि आपको पता चल गया ना किस टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं चलो बढ़िया है बढ़िया है बेटा एक नंबर आ जाओ अगला अगला क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया भी होगा कई बार इफ वन ऑफ द लाइन गिवेन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्सवायर प्लस बीवाई स्क्वायर प्लस जीरो बाइसेल बिटवीन द कॉर्डिनेट एक्सेस कॉर्डिनेट एक्सेस मतलब क्या या तो लाइन इस तरीके से बाइसेक करेगा या तो लाइन इस तरीके से क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है ना भाई बाइसेक करने की बात हो रही दोनों पॉसिबिलिटी है अगर इस तरीके से बाइसेक किया तो एंगल बनेगा 45 डिग्री और इस तरीके से बाइसेक किया तो एंगल बनेगा माइनस फोर्टी डिग्री तो आप बोलोगे लेट एंगल्स ये हमने सोल्व किया हुआ बस मैं को हिंट दे रहा हूं लेट 45 माइनस फोर्टी फाइव डिग्री टू टेन फोर्टी फाइव और टेन माइनस फोर्टी फाइव देखा आपने सो टेन फोर्टी फाइव डिग्री और टेन माइनस फोर्टी फाइव डिग्री स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों टेन फोर्टी फाइव वन और माइनस वन तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस मतलब प्लस माइनस वन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस वन अब क्वेश्चन क्या दिया है सर मजेदार है क्योंकि आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है तो मुझे एम आ गया मतलब ये इक्वेशन दिया है ना सोचो दिमाग लाओ आपने एम निकाला है बच्चों आपने क्या निकाला है एम और आपके पास इक्वेशन दिया गया है और जैसे ही एम आता है सिंगल एम की वैल्यू और पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन बस मेरे दिमाग में एक बात आ जाती है ऑक्सिलरी फॉर्म एक्सक्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बच्चो इसको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना तो क्या मिलेगा याद है मैं डायरेक्ट लिखता हूं बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो जब आप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करोगे वाई अपन एक्सक्वायर एम पुट करोगे तो क्या मिलेगा बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो नाव बी बेटा एम के प्लेस पे प्लस माइनस वन टू एच एम के प्लेस पे प्लस माइनस वन प्लस ए कॉपी किया इज इक्वल टू जीरो नाउ बच्चों क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है तो प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन बताया बचेगा बी यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस टू एच प्लस एक्वल टू जीरो ए प्लस बी को यही रखते हैं ए प्लस बी को बच्चों हम लोग ये रखते हैं प्लस माइनस टू एच को भेजते हैं राइट में तो प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस अब दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस का स्क्वायर भी प्लस टू का स्क्वायर फोर एच का हो जाएगा एच क्या था कुछ नहीं था उसने साफ साफ बोला है कि हमारी लाइन मतलब पेर ऑफ स्टेट लाइन में से कोई एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक कर रही है बेटा बाइसेक कर रही है मतलब ऐसे भी बाइसेक कर सकता है और ऐसे भी दोनों पॉसिबिलिटी है ना इसलिए नहीं, नहीं कर सकते अपने को दोनों देना पड़े कंडीशन बोला था बाइसेक करता है सिर्फ क्वाड्रेंट में तब हम इसको लेते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों की है इसलिए इस तरीके से भी बाइसेक कर सकता है इस तरीके से भी बाइसेक कर सकता है नाउ फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव इसलिए प्लस वन माइनस वन इसलिए दोनों सॉल्व किया ओके okay, ऐसे क्वेश्चन को आप करोगे पहले क्या दिया है सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था तब भी ऐसा क्वेश्चन आता था आपको भी था. चार मार्क का क्वेश्चन चार मार्क का फाइंड पी एन क्यू और इसमें कंडीशन क्या देगा रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरल लाइंस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी और पैरल भी है तो बेटा सबसे पहले कंपेयर करना ए एच बी टू जी मतलब जी टू एफ मतलब एफ और सी निकालना सारी की सारी वैल्यू निकाल देना उसके बाद बोलना सर लाइन्स आर पैरल कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो फिर क्या बोलोगे लाइन्स आर पेयर ऑफ लाइन्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ए बी सी प्लस टू एफ जीएच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वल टू जीरो आसान है एग्जाम में कई बार पूछता है क्या बोलती है पब्लिक क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जल्दी एक वैभव बोलता है हंड्रेड परसेंट आया क्या हाँ बेटा इसके पहले वाला बोथ आर सेम एक बात याद रखना

और y प्लस फोर को ले लो n तो क्या हो जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन माइनस नाइन एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है पहले टू का मल्टीप्लाई नाइन में करोगे टू नाइनजा टू 18 एटीन का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे माइनस थ्री आए सिक्स थ्री एटीन माइनस सिक्स प्लस थ्री वेरी गुड माइनस सिक्स प्लस थ्री चलो बच्चों ने इसको बोल दिया डायरेक्टली करना है वेरी गुड सेम क्वेश्चन बच्चों को <coughs> मुझे निकालना है टू ऐसा बोला है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे एम वन माइनस एम टू का फॉर्मूला तो कैसे करने का बेटा सबसे पहले आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है सर टेन स्क्वायर थीटा एक डरना मत क्वेश्चन देख के टेन थीटा प्लस थीटा ये की वैल्यू क्या है एक्स वाई के बाजू में टू एच होता है ना तो माइनस टेन थीटा सही बात है उसके बाद बी की वैल्यू वाई स्क्वायर के बाजू में बी होता है मतलब साइन स्क्वायर थीटा सब ध्यान से देखो पुछो एक्स स्क्वायर के बाजू में ए एक कौन है टेन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर फिर एक्स वाई के बाजू में टू एच तो माइनस टू टेन थी माइनस टू टेन थीटा और वाई स्क्वायर के बाजू में बी होता है अब आप क्या निकालोगे एम वन प्लस टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा होल डिवाइड बाय बी बी के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा फाइनली माइनस माइनस कैंसल टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ठीक है सिंप्लीफाई करना है कर देना बाद में ठीक है है अभी नहीं तो भी चलेगा M1 M2, क्या होता बेटा मतलब पास एम वन प्लस एम टू एम वन इंटू एम टू आ गया आपको निकालना है स्लोप मतलब M, sorry, difference between slopes, मतलब एम वन

अब बोलो m1 वन माइनस एम कैसे निकलेगा m1 वन माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 वन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ m1 m2 एम भाई लोग अभी इसको पुट करो सिंप्लीफाई करो क्या बोलती है पब्लिक क्या ये क्वेश्चन में होमवर्क दे दो इसको पुट करके सिंप्लीफाई करो आएगा थोड़ा सा फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन आंसर आएगा डेफिनेटली और आंसर टू आएगा नीचे क्लियर यस yes. तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो राइट right. सो so ये था हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेकिन ध्यान देना एक क्वेश्चन और मैं बता देना चाहता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है जो आपको लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बढ़िया वाला है भाई लोग क्या है देख लो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ डिग्री विद द लाइन मतलब कैसा डायग्राम है डायग्राम देखो आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा आपके पास ये लाइन है और ये लाइन है दोनों का नाम देते हैं ओ ए और ओ बी आपने इस तरीके से दूसरी लाइन पास की जिसका नाम है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो बराबर तो बच्चों आप इस ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो और ये दोनों लाइने कितना डिग्री का एंगल, एंगल बना रही थर्टी डिग्री का एंगल बना रही है आप ओ ए का स्लोप बोल दो एम बोलो ओ या o -B का स्लोप बोल दो क्यों क्यों सर दोनों को M बोल रहे हैं अरे भाई दो वैल्यू आएगी ना दो वैल्यू आएगी दोनों को एम से रिप्रेसेंट करो बात खत्म तो दोनों के स्लोप को मैंने बोल दिया एम और आप निकाल लो ए बी का स्लोप एबी का स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे आप इन दोनों के बीच में थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो टेन थीटा कितना है सर ये टेन थीटा का फॉर्मूला वाला अप्लाई करेंगे भाई एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाय वन प्लस एम वन इन टू एम टू थी कितना है बेटा थर्टी डिग्री एम वन क्या होगा एम माइनस एम टू इसका स्लोप बेटा इसका स्लोप क्या होगा माइनस ए अपॉइंट बी मतलब माइनस थ्री अपॉइंट टू होल डिवाइड बाय वन प्लस एम इंटू थ्री अपॉइंट टू सो बच्चों क्या करना है जरा आपको इसको सिंप्लीफाई करना कॉन्स्टेंट मिलेगा एम मिलेगा के प्लेस पे आप लोग क्या करना बोल देना सर लेट एक्स एंड वाई क्योंकि आपको क्या करना है यहां पे जो भी इक्वेशन आएगा कंबाइंड इक्वेशन हाँ तो इसको एम के फॉर्म में लेकर के सॉल्व करना क्योंकि सिर्फ एम है बेटा तो जो भी इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ एम आएगा बाद में एम के प्लेस पे अपॉन वाइप पुट कर देना काम खत्म बाद में में एम के प्लेस पे अपॉन पुट कर देना काम खत्म आपका आंसर पूरा का पूरा का और y में आ जाएगा देखा सो गाइस लगभग हमने लगभग क्या सारे के सारे क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर दिए पहले एक्सरसाइज में कि भाई जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं सेपरेट कैसे करते हैं

टॉपिक कवर कर दिया राइट सो so, क्या बोलती पब्लिक यस yes, फटाफट भड़ बोलो कंफर्म कंफर्मी सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है एकदम सेम से आप सोल्व करोगे टेन थर्टी क्या आएगा आपका वन अपॉन रूट थ्री एम प्लस थ्री बाई टू डि वन माइनस थ्री एम डिवाइड बाई टू टेंशन क्यों लेते बहुत आसान है यार ये हो जाएगा टू एम प्लस थ्री मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं जाएगा, two minus three whole by two, हो जाएगा टू माइनस थ्री एम होल डिड बाय टू बाद क्या करोगे स्कवायरिंग क्योंकि करेंगे और जहां जाएगा आप वाय कर आ जाएगा चलो, चलो प्यारे बच्चों के लिए इतना ही करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ तब तक इस पेयर ऑफ स्टेट लाइन के चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से समझो अगर कुछ डाउट होता है तो आप नो डाउट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हो so, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में